जस्टिन ट्रूडो ने जिस खालिस्तानी के चक्कर में भारत से दुश्मनी ली, उस हरदीप सिंह निजर की कहानी क्या है आखिरकार, आइए आपको बताते हैं। आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशिबा खान। आपको बता दूं, कनाडा के सरी शहर में एक इंसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF का चीफ और आतंकी हरदीप सिंह निजर है, जिसके बाद कनाडा के वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर खूब बवाल किया। अब इस मामले के रूप 3 महीने बाद कैनेडियाई प्रधानमंत्री ने इस मामले में लेकर बयान दिया। जस्टिन ट्रूडो जानते हैं कितना खतरनाक था हरदीप निज्जर। फर्जी पासपोर्ट से कैनेडा में पहुंचा था हरदीप सिंह निज्जर। भारत में वंचित हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रिंट के शहर सारी में एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भारत कनाडा के बीच खलल की वजह बना हरदीप सिंह निज्जर। लुधियाना के भराता सिंह पूरा गांव का रहने वाला था। वह फर्जी पासपोर्ट के जरिए कनाडा पहुंचा। यहां पैर जमाने के बाद उसने खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी KTF संगठन बनाया था। निज्जर वर्ष 1996 रवि शर्मा नाम से फर्जी पासपोर्ट बनाकर भारत से कनाडा चला गया था। कनाडा पहुंचने के बाद उसने राजनीतिक शरण के लिए आवेदन किया, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उसने कनाडा के एक महिला से शादी की और फिर नागरिकता पाने की प्रयास किया। आपको बता दूं, इसी महिला ने निज्जर को कनाडा लाने में सहायता की थी, लेकिन इसका ये पैतरा भी विफल रहा क्योंकि नागरिकता तब भी नहीं मिली। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने उसे अपनी भाषा में कैनेडियन नागरिक कहा, जो ये दर्शाता है कि निज्जर को बाद में नागरिकता हासिल हो गई होगी। उसके कैनेडा के ब्रिटिश कोलंबिया राज्य प्लंबिंग का काम भी चालू किया था, लेकिन उसकी संपत्ति इस बात की तरफ इशारा करती है कि वह अन्य धंधाओं से भी जुड़ा हुआ था। शहरी में गुरुद्वारे के अध्यक्ष था निज्जर। भारत में वंचित हरदीप सिंह निज्जर 18 जून 2023 को कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया प्रिंट के शहर सैरे में एक गुरुद्वारे के बाहर पार्किंग क्षेत्र में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। निज्जर सैरे स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी थे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर इस घटना में संलिप्त होने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से दोनों सरकारों में खलल उत्पन्न हो गई है। बाबर खालसा से भी था लिंक। वह प्रतिबंधित खालिस्तानी टाइगर फोर्स का सांप्रदायिक संस्थापक था। हरदीप सिंह निज्जर, जो 45 वर्ष का एक अन्य खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का सदस्य भी था। इस संगठन की अगुवाई खालिस्तानी आतंकी गुरापतवंत सिंह पन्नू करता है। वे खालिस्तानी आतंकवादी संगठन बबर खालसा से भी जुड़ा था। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था निज्जर। निज्जर कनाडा में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार हवा दे रहा था। कथित सिख रेफरेंडम कार्रवाई में भी उसकी बड़ी भूमिका शामिल रही। निज्जर के भारत प्रत्यार्पण का प्रयास लंबे समय से जारी रहा, लेकिन प्रत्यार्पण से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। 2018 में जस्टिन ट्रूडो ने भारत यात्रा के दौरान पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह से उन्हें इसी अपराधियों के लिए एक लिस्ट थमाई थी, जिसके पंजाब पुलिस को तलाश थी। इसमें निज्जर का नाम भी शामिल था। जांच एजेंसियों के अनुसार निज्जर के ऊपर लुधियाना में वर्ष 2007 में बम धमाके करवाने का भी आरोप था। इस बम धमाके में 6 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, जबकि लगभग 50 व्यक्ति घायल थे। पंजाब में हुआ ये एक बड़ा हमला था। पटियाला बम धमाके में उसका नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। बम धमाकों के अलावा उस पर डेरा साछा सौदा, निरंकारी सिख संतों और पंजाब के हिंदू नेताओं की हत्या करवाने और इसके साजिश रचने की भी आरोप लगाई गई। इसी कड़ी में सिख युवक मनदीप धैलेवाल को गिरफ्तार किया गया था। उसे पंजाब में हिंदू नेताओं के हत्या के जिम्मा दिया गया था।
थालेवाल को निजर ने ही परीक्षण दिया था। जांच एजेंसियों के अनुसार निजर के पंजाब के दलित गुरु बाबा सिंह भर धैनारा के हत्या की भी साजिश रची थी। बेअदबी के बाद डेरा अनुवाई के हत्या वर्ष 2020 में उसने जेल में बंद राम रहीम के डेरा साछा सौदा के अनुवाई मनोहर लाल की हत्या भी करवाई थी। मनोहर लाल डेरा साछा सौदा के प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वे डेरा के 25 सदस्य समिति के सदस्य भी थे। 25 सदस्य समिति के सदस्य मनोहर लाल बेअदबी मामले में आरोपित एक युवक के पिता थे। वर्ष 2016 से 2022 के बीच डेरा के 7 अनुयायी की हत्या हुई और इस सभा में कहीं ना कहीं इन्हें कट्टरपंथियों की भूमिका सामने आई है। उसके बाद जगमीत सिंह का समर्थन निजर को भारत वापस लाने के लिए वर्ष 2016 में रेड कैर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। कनाडा की सरकार से उसे भारत को सौंपने की अपील की गई, लेकिन कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने दबाव और ट्रेडो के न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अल्फामेंट जस्टिन ट्रेडो सरकार का समर्थन करते हुए एनएसी स्टार की बैठकों से ये भी बिल्कुल स्पष्ट किया था कि कैनेडियन सरकार खालिस्तानी समर्थकों के दबाव में थे और भारतीय हितों के मदद के लिए कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एएनआई ने हरदीप सिंह निजर को भगोड़ा घोषित किया था। एएनआई ने वर्ष 2022 में निजर पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया था। कनाडा चाहते थे कि इस सहयोगी निजर की मौत पर भारत की निंदा करे। रिपोर्ट के अनुसार इसे नजरअंदाज कर दिया गया। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार इसे पहले कनाडा के खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप निजर की हत्या में भारत की भूमिका का आरोप लगाया। उसने अमेरिकी स्थित अपने सहयोगियों से सार्वजनिक निंदा की मांग की, लेकिन अनुरोध को अनिच्छा से पूरा किया गया। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से पहले फाइव आईज कंट्री ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस के बीच इस हत्या पर चर्चा हुई थी। हालांकि चर्चाओं का सार्वजनिक रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इससे जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।